प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। प्रकाश की या लाइटिंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इस जीवन के लिए। प्रकाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साधना पूजा से लेकर के जीवन जीने के लिए। इस जीवन को चलाने के लिए प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है, एक बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है। शरीर और मन पर इस प्रकाश का सीधा असर पड़ता है। आपके शरीर पर भी लाइटिंग का असर होता है, प्रकाश का असर होता है, और आपके मन पर भी लाइटिंग का, प्रकाश का सीधा असर होता है। प्राकृतिक प्रकाश जो है, नेचुरल प्रकाश जो है, जैसे सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश, ये आपकी आत्मा तक को प्रभावित कर देता है। घर में प्रकाश की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, घर में लाइटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इसीलिए घर में अंधकार रखने से बचिए और कोशिश करिए कि घर का कोई भी कोना, कोई भी जगह ऐसी ना हो जो अंधकार में डूबी हुई हो। हर जगह प्रॉपर और पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। पढ़ने की जगह पे, रसोई में, पूजा की जगह पे, सोने की जगह पे, हर जगह पे आपको पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर आप प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखेंगे तो घर की बहुत सारी समस्याएं, घर की बहुत सारी मुश्किलें वैसे भी दूर हो जाएंगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। घर की जो लाइटिंग है वो आपके मन को बहुत अच्छा कर सकती है, आपके मन में डिप्रेशन पैदा कर सकती है, आपके मन में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के विचार भी ला सकती है। इसलिए घर की लाइटिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, ऐसा घर जरूर लीजिए जिस घर में प्राकृतिक प्रकाश आए कम से कम 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट सनलाइट जरूर आनी चाहिए। घर में प्राकृतिक प्रकाश जरूर आना चाहिए। इसके अलावा घर में हर जगह अगर नेचुरल लाइट नहीं आ सकती तो कम से कम घर के हर स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, घर के हर जगह पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में कम आता हो तो आप कोशिश करें कि पीली रोशनी रखें, येलो लाइट रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे अगर घर में सूर्य का प्रकाश आता हो, घर में लाइटिंग दिन की अच्छी रहती हो, तो सफेद रोशनी का प्रयोग करना भी अच्छा होगा। लेकिन अगर सनलाइट बिल्कुल नहीं आती हो या दिन का प्रकाश बिल्कुल नहीं आता हो तो आप येलो लाइट का प्रयोग करिएगा। घर के लिविंग एरिया, रसोई और मुख्य द्वार, घर का जो ड्राइंग रूम है जिसको लिविंग एरिया कहते हैं, घर की जो रसोई है और घर का जो मुख्य द्वार है, यहां पर प्रकाश की उचित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। बाकी जगहों पर अगर नॉर्मल लाइट भी हो, सामान्य प्रकाश भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने की जगह पर और काम करने की जगह पर भी ज्यादा प्रकाश रखिएगा, पढ़ने और काम करने की जगह पर भी ज्यादा लाइट रखना आपके लिए बेहतर होगा। बेडरूम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब सोते हैं तो पूरी तरह से अपने बेडरूम में अंधेरा कर लेते हैं। बेडरूम में कभी भी पूरी तरह से अंधकार नहीं करना चाहिए। सोते समय भी धीमी लाइट
मध्यम लाइट अगर हो, धीमी लाइट अगर हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पूरी तरह से अंधकार में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से अंधकार में सोने से आपको अवसाद हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए हल्की लाइट कमरे में जरूर रहे जब आप सोएं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।